बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आज के व्लॉग में। तो भाई आज का व्लॉग हमारा है भाई, हम जा रहे हैं सुबह सुबह पट्टे लेने। और मिल्की तुम क्यों बोली जा रहे हो? मिल्की बिल्की 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 डिल्की क्या बात है, क्यों बोली जा रहे तू हैं? बे बे क्यों करी जा रहा है? आया मैं तुम्हारे लिए। चलें जी, सबसे पहले इनके लिए पट्टे ले आते हैं और पट्टे ला के इनको डालते हैं, और डाल के इंशाल्लाह ताला फिर जो है हम लोग अपनी दुकान ओपन करेंगे। तो चलें, सबसे पहले क्या लेने जाना है? हमने पट्टे लेने जाना है किनके? इनके। और एक यहाँ पे हमने ये बंद लाजमी करना है, क्योंकि भाई मुर्गियाँ जो हैं वो बाहर आ जाती होती हैं, जिसके करके हमें बड़ा मसला आ रहा है। इसलिए यहाँ से गुजरते वक्त इसको बंद करने का तरीका जो है अब वो ये है कि इसको ऐसे, इसको यहाँ से पकड़ा ऐसे, इसको सेंटर से पकड़ के इसके साथ। चलो ये हो गया बंद। और चलो जी अब हम लोग चलते हैं, चल के सबसे पहले इनके लिए लूसन ले आते हैं। लूसन ला के इंशाल्लाह इनको डालते हैं, डाल के फिर कोई और काम करेंगे जी। तो भाई हम लोग बैठे हुए हैं अपनी शॉप पे, जो कि अभी हमने न्यू ही स्टार्ट की है। इसको प्रॉपर हम अभी नहीं बना पा रहे क्योंकि चीज़ें काफ़ी कम है। तो आस्ता आस्ता जैसे जैसे हमें इसका आइडिया होता जा रहा है तो वैसे वैसे हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं। मगर एक दोस्त है मोहल्ले में, उनके होलसेल की दुकान थी, उन्होंने ये आइडिया दिया कि शहर वो ज़्यादा सामान नहीं डाल, जो आगे कस्टमर मांगे। इवन कि अगर तुम्हारे पास बच्चे हैं छोटे, लाइक मेरे मोहल्ले के बच्चे जो हैं वो सबसे ज़्यादा स्नैक लेके जाते हैं, ये जो ऊपर लगे हुए हैं ये सारे स्नैक्स। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम 10,000 की ये स्नैक ही बेच सकते हो तो भाई कोई तीसरी चीज़ डालने की जरूरत नहीं, यही बच्चा पार्टी पूरी कर लोगे तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ पूरी हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यही किया, बच्चों से पूछता गया, जो जो बच्चे चीज़ बताते जाते हैं मैं लाई जाता हूँ और ला के तो डाली जा रहा हूँ पहले से। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर हो गया। मगर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप इसको टूर कराएंगे, मगर अभी इतनी बड़ी नहीं है तो जैसे भरेगी तो इंशाल्लाह फिर आस्ता आस्ता आपको दिखाते चलेंगे। तो पट्टों के लिए हम वेट करेंगे क्योंकि सुबह हमने उनको डाल दिए मकई, लूसन उनका आ गया है और लूसन जो है वो भी उनको डालना है। तो कैसे डालना है, जब कोई आएगा किसी को दुकान पर बैठा के फिर खुद ऊपर जाना पड़ेगा या शटर फेंक के जाना पड़ेगा। कहा था जब कोई आएगा फिर हम जाएंगे। तो अभी अब्दुल्ला भट्टी, तो अब्दुल्ला आ गया, अब हम लोग चलते हैं और हम डाल के आते हैं। इससे पहले लूसन, क्योंकि पट्टे हमने सुबह डाल दिए थे, इस टाइम जाती है लाइट, तो लाइट के दरमियान ये लोग आ जाते हैं, फिर मुझे ज़रा टाइम मिल जाता है अपना काम ख़त्म करने का। तो पहले हम लोग डाल देते भाई इनको लूसन, फिर कुछ और करेंगे। शेयर में मुझे पता था तुम लोग बीच में ही हो गए, उत्तर हमने भी कोर्स पूरे किए, तो भनागा तो सैट हो गया। ये लो जी पट्ठों का उन्होंने हशर नशर कर दिया, कोई नहीं अल्लाह खैर करेगा, काट के डालते हैं। तो भाई यहाँ पे ये देख सकते हैं ये लूसन का फ्रंट वाला हिस्सा है, और आज लूसन मेरा ही छोटा तो दो हिस्से ही कर रहा हूँ, आ रही नहीं, आज छुरी से काम चला रहा हूँ। इधर ये बैग डाल दिया, ये रह गया बस काटने वाला। आज थोड़ा ना ज़रा सोन पादरों की वजह आज इतना साफ माल नहीं मिला, मगर जो मुझे गंदा लग रहा है वो निकाल ही जा रहा हूँ। खैर इसको काट के पूरा करके इंशाल्लाह फिर आपको मिलता हूँ। बहुत ज़्यादा इस टाइम भाई पसीने से बुरा हाल है, मुर्गियों ने भी तंग किया हुआ, माल सड़ा हुआ है, कि जैसे ही दरवाज़ा खुलना है इन सब ने अंदर आके इस पर टूट। वेट करते हैं इनके आने का और इनके खाने का, और फिर हम लोग चलेंगे नीचे दोबारा अगेन, और फिर उसके बाद बर्ड्स की बारी है। तो वो वन बाई वन जैसे जैसे टाइम पीरियड आता जाता सबका दाना पानी होता रहता है, तो फिर वक्त इनको कंप्लीट करके फिर हम लोग निकलेंगे। भाई हमारा काम फाइनली हो गया कंप्लीट, इधर देख सकते हैं ये बैक वाला हिस्सा है और इधर देख सकते हैं ये दूसरा लूसन का हिस्सा। और चलें सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग अब इनका टाइम आ गया निकाल करने का, तो चलो जी आ जाओ भाई सारे बच्चे आ जाओ, मेरा पुत्र चलो उधर उधर बादशाह उधरों बादशाह चल अंदर चल ब्रोन, ये देखें ब्रोनी रंगीला टू चार रंगीले ओलू दे कान इधर इधर जाने इधर पुआन इधर चल चपून जो खा ला रानी चला इधर छोड़ा कुछ इन्होंने नहीं, आलमोस्ट सारा कंप्लीट कर ही गए। चलो कोई ये जी ब्राउनी के काम है, उसने ख़राब कर दिए पट्ठे। चलो जी चल माशाल्लाह माशाल्लाह सुकून ना मेरा पुत्र, चल खो चल 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 अगे 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 इतने। चलो जी हम अब उधर से चलते हैं, अब इनको ये हमने कर देना बंद यहाँ पे ऐसे। चलो जी अब भाई जी इनको बंद क्यों की है? बंद इनको इसलिए की है,
हो ऐसे, ये खुल गया। बंद इसलिए किया कि भाई हमें ज़्यादातर इनको ये धूप में आ जाते हैं, खाते काम में देंगे पंखा, ये पंखा फिल वक्त चल रहा है इन खुरलियों के ऊपर, और अब ये खाने लग गए हैं, और अब इन सबको जो है हमने इस तरफ कर देना है ताकि ये रंगीला टू जो है ना यही थोड़ा सा बस हमें करता है तंग, बाकी तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे खा लेते हैं। तो तेरा तो कद छोटा, तू वड्डी खुरली जो लैन के आया उल्लू दे पठिया। चलो लें जी, ये देखें भाई पंखा हो गया इनकी तरफ, अब ये इनके ऊपर पंखा चलेगा। देखें अंदर छापर उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। ले जी हमारा काम हो गया कंप्लीट, और अब हम लोग चलते हैं नीचे वापस। आप लोग सोच रहे होंगे मैं चला गया, मैं जाता नहीं, मगर पता नहीं क्या दिल में है, सोचा आपको बता दूं। भाई खुदा कसम ये जो नज़ारा है ना, जितना ये दिल को सुकून देता है ना जब आपका माल खा रहा और आप पास बैठे हों, मैं कहता हूँ इससे मज़ेदार चीज़ पूरे दिन की कुछ नहीं हो सकती, और आपका दिन बना देती है ये चीज़ कि यहाँ पे ये देखें ये खा रहे हैं और यहाँ पे ये खा रहे हैं। आपको यहाँ बैठ के ये पता लग जाता, दाना तो हर जानवर खा लेता है, मेन मसला कहाँ पे आता है कि आपको यही नहीं पता चलता कि भाई दाना खाने वाला जानवर ने क्या पट्टे उठाए हैं कि नहीं उठाए, इसको मसला क्या, क्या इसके कीड़ लगने वाले हैं, क्या इसके तालू में कोई मसला है, क्या इसको डिवर्मिंग करने वाली है, ये खाना क्यों नहीं खा रहा, क्या इसको बुखार है, पेट दर्द है, कोई ईच एंड एवरी थिंग जो मसला है वो आपको कब पता चलेगा, जब आप इधर बैठ के वॉच करोगे मेरे प्यारे भाई अपने जानवरों को। और ये जो है रंगीला, पहले से देखे मैंने आपको बताया पहले नहीं खाता, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह ये पहले से खा रहा है, इसके कीलों का मसला था तो इसके कील लगाए हैं तो वो करके ये खाने लग गया। अगर आप में से लोगों को नहीं पता कील क्या होते तो भाई हमारी एक वीडियो है ऑलरेडी जो हमारे इसी चैनल पे है जड़दा शौक यूट्यूब चैनल पे, वहाँ पे जाके देखें इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। अभी चल गया आसिफ भाई, भी आ गए हैं और ऊपर मैं बैठा हुआ था काम जो हमने करवाना है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई, बड़ी शिद्दत नाल इंतजार है हर बंदे नु कि किस दिन आसिफ भाई ने डेली व्लॉग विच मैं कह देना जा रहे हैं। चलो आओ जी आप दिखाते हैं सारा काम और फिर देखते हैं कि क्या बनता होता है कि नहीं। जी भाई हमारे शर्ट का हो गया राम राम सत्ते, बेचारा सारा ही टूट टूट गया है, टूटा नहीं है, ऊपर आसिफ भाई खोल रहे हैं बैठ के, और ये इधर का फ्रंट का फ्रेम भी उतार दिया मैंने। काफ़ी कमेंट आएंगे कि शरोज भाई आपने ये क्या किया, क्यों किया, कैसे किया। भाई जान अभी कुछ भी नहीं आपको बता सकता, अभी जो दिमाग कह रहा है मैं करता जा रहा हूँ, वक्त आने पर बताऊँगा इंशाल्लाह कि ये क्यों किया, इसकी क्या रीज़न थी। काफ़ी ज़्यादा वजूहत हैं जो कि अब ये सारा क्लियर होगा, आप लोगों के सामने आती जाएंगी, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट जो सेटअप तैयार कर रहे हैं उसमें हमें ना चूहे का टेंशन ना हमें बारिश की टेंशन, तो ये दो मेन मसलों की वजह ये सारा कुछ करना पड़ा। बाकी आप देखते जाएं क्या क्या हो रहा है, फिल वक्त तो ये उठाना है मैंने अकेले ने। आसिफ भाई अभी ऊपर है, नीचे आएगा फिर इसको उधर लगाते हैं, देखते हैं बाकी काम इंशाल्लाह साथ साथ दहातों। भाई जैसे आपको देखें अभी भी ऊपर लगे हुए हैं धड़ाधड़ तोड़ने, तो मेरे पास एक गेस्ट आए हुए हैं, और आज मैंने बेसिकली कुछ चीज़ अपने लिए मंगवाई थी, क्योंकि भाई थोड़ा सा मैं अब डिसाइड हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे बाहर जाना पड़ता है, घूमने जाना पड़ता है, जिसके करके मेरे लिए बड़ी मुश्किल, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया कि यार मैं इनको कैसे मैनेज करूँ कि ये थोड़े ही रह गए हैं। अब मैंने किया गया वो भी आपको दिखा देता हूँ कि भाई मैंने बड़ा ही छानबीन करके पूरा ओवरऑल लाहौर फिर फरा गए, तो अपने लाहौर के अंदर अगर एक चीज़ ढूँढी है तो वो ये है जी TMR। इसमें जी तीन किस्म का TMR, एक ये वंडा है ये देख सकते हैं आप, ये एक ये वंडा है, और चलो दूसरा वंडा इसमें जी ये वाला ये देखें, ये दो वंडे हैं और तूड़ी वाला सैंपल इस तरफ रखिएगा। ये TMR है जी, ये जो मेरे इस अंगूठे के पास है, सेंटर में भी वंडा है, ये भी सेंटर में, ठीक हो गया। तो ये सारा मिक्स है, तो इसकी पूरी ओवरऑल वीडियो इंशाल्लाह बहुत जल्द हमें मिलेगी। और आज जो है फिल वक्त अपने सैंपल के तौर पे मैं जानवर छोड़ने लगा हूँ, क्या ये इसको अप्लाई करते हैं, और अगर नहीं भी करेंगे तो 3-4 दिन वेट करना पड़ेगा, थोड़ी हो तो इनको यूज़ टू करवाएंगे तो इंशाल्लाह ये यूज़ टू हो जाएंगे। तो चले जानवर छोड़ते हैं कि क्या होते हैं, ये खाते हैं कि नहीं, थोड़ा सा मुर्गियों को रोकिएगा ज़रा। चलो जी आओ जी चले चले ले, हाँ जी हाँ जी ऐसे ही है। चलो जी चलो चलो चलो, ये वैसे ही खाने लग जाएंगे क्योंकि पहले भी खाते रहे हैं तो ये यूज टू हैं, इनमें ये जो एक दो नए हैं थले चल पुआन उधर दिया। ये देखें जी आज ये फर्स्ट डे है, फर्स्ट डे से मुराद के इनका फर्स्ट डे इसलिए कह लें कि काफ़ी पिछले जो हमारा फ्लॉग था वही खाता रहा, इस फ्लॉग में अगर कोई पिछलों के साथ था तो एक ये सिर्फ काली थी, तो काली ने तब खाया हुआ देख सकते हैं, मगर न्यू जानवरों को जिनको भी डाला है तो वो भी खा रहे हैं, तो टाइम लगेगा, मगर ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये इंशाल्लाह इस पर ऑन हो जाएंगे, और जब ये इस पर ऑन होंगे एक्टिव होंगे
तो फिर इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि आप लोगों को दिखाया जाए कहाँ से ले रहा हूँ, कौन सी चीज़ है। अगर आप लोग भी मंगवाना चाहें तो आप इजीली, जैसे नंबर मेरा ऑलरेडी चल रहा होता है, और आप लोग भी मेरे से कॉन्टेक्ट करके चीज़ मंगवा सकते हैं। तो फिल वक्त इनको खा और इंशाल्लाह रिस्पॉन्स आपको बताएँगे, दैन फिर आप अप्लाई करिएगा।